नमस्कार, स्वागत आपका आपकी न्यूज मीडिया में। मैं मोमिना सिंह। हमारे कार्यक्रम राजनीति पर चर्चा में आज हमारे कास्ट मेहमान है सर राजा अकबर खान, जो मुंबई के जाने माने समाज सेवक है, सोशल एक्टिविस्ट है और दो बार मुंबई बीएमसी के काउंसलर भी रह चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर 2 महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सर आपने देखा था वर्ष 2014 में आपने बैंड्रा ईस्ट असेंबली से चुनाव लड़ा था आपने, और फिर बाईपोल इलेक्शन में भी अपने चुनाव लड़ा था और दूसरे पायदान पर आप रहे थे इलेक्शन में। सर हमें ये सूत्र के अनुसार हमें पता चल रहा है कि आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में आप कांग्रेस से लड़ सकते हो बैंड्रा वेस्ट असेंबली में, क्या ये बात सही है सर? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्च 2019 यानी ये लोकसभा इलेक्शंस के कुछ एक महीना पहले हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और यहाँ पर अभी जो बैंड्रा वेस्ट असेंबली है 177 बैंड्रा वेस्ट असेंबली, यहाँ की 102 वार्ड से हमारी वाइफ इंडिपेंडेंट म्यूनसिपल काउंसलर है। इसके पहले मैं इंडिपेंडेंट म्यूनसिपल काउंसलर रह चुका हूँ। ये बात बराबर है कि 2014 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था हमने बैंड्रा ईस्ट से इलेक्शन लड़ा था और वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में हमको वोट मिले थे। बाला सावंत शिवसेना के कैंडिडेट थे हमारे सामने और करीबन 25,000 के आसपास हमको वोट मिले थे। दूसरा फिर उनका वो एक्सपायर हो गए कुछ वजह से, बीमारी थी उनको। फिर बाई इलेक्शन हुआ, नारायण राणे साहब आए थे उनके सामने भी हमने लड़ा था और थोड़े कुछ वोट्स कम हुए थे, लेकिन उस टाइम भी हमने कॉन्टेस्ट किया था बैंड्रा से। अब परिस्थिति ये है कि हम ऑलवेज नगर सेवक जो रहे हैं हम बैंड्रा वेस्ट 177 से ही रहे हैं और अभी भी हम यहीं पर काम करते हैं और यहाँ से हमारा काम होता है। लोकसभा इलेक्शंस के पहले जो मुल्क में हालात थे, जो देश में हालात चल रहे थे, उसके हिसाब से हमको ये लगा कि ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करना है और हम भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ के हमारे हाथ भी मजबूत कर दिए। तो दोनों मिलके जो फिरका परस्त ताकतें हैं, आरएसएस है और जो देश को बांटना चाहते हैं और जिस तरीके से राजनीति हो रही है, इसलिए हमको मजबूरन ये चीज़ को हालात देखते हुए हमको जुड़ना होता। अब ऐसा हो गया है कि हम कांग्रेस पे आ गए हैं और एमपी इलेक्शन जो प्रियदत्त जी का था उसके अंदर हमने खुल के पूरा काम किया। ठीक है, बदकिस्मती थी प्रियदत्त जीत नहीं पाई, लेकिन मेरे वार्ड से मेरे एरिया से जो मैंने वो किया तो मैंने करीबन 12,500-13,000 की लीड बीजेपी के ऊपर हमने दिया है। तो बैंड्रा वेस्ट 177 असेंबली में 12,500-13,000 की लीड हमने दी है बीजेपी के ऊपर और ये अभी पार्टी के ऊपर निर्भर होता है कि अगर वो मुझे यहाँ से टिकट देती है, क्योंकि जो हमारे जूने यहाँ के एमएलए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एक्स मिनिस्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट बाबा सिद्दीकी साहब, उन्होंने कुछ रीजंस के वजह से यहाँ से लड़ने से मना किया है कि वो नहीं कॉन्टेस्ट करेंगे। तो अभी पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको नॉमिनेट करती है, तो देखते हैं अभी क्या हालात बन के आते हैं। अगर पार्टी मुझे बोलेगी तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे जी। सर जब हम बैंड्रा वेस्ट असेंबली का बात करते हैं तो लगभग से 2014 के बाद से, तब से आशीष शेलार जी जो बीजेपी के एमएलए हैं तब से वो यहाँ से आमदा चुन के आए। हमने देखा है बहुत सारा डेमोलिशन आपके क्षेत्र में हुआ है, यहाँ के जो नागरिक है जिनका घर चाली में था, चौच में था, उनका अगर डिमोलिशन किया है, उनको अभी तक घर प्राप्त नहीं हुआ है, जो भी दुकान है सड़क पर वो डिमोलिश किया गया है, लोग उनसे खुश नहीं है, नाखुश उनके कार्य से। तो सर अगर इस बार चुनाव कांग्रेस लड़ता है यहाँ पर, तो लोग सर्वे के अनुसार हमें ये पता चला है कि कांग्रेस यहाँ पर अच्छा खासा मार्जिन से जीतेगा, तो सर कितना इच्छुक हो आप ये टिकट के लिए? क्योंकि हमने देखा है लगभग 3 दशकों से आप मुंबई में कार्य कर रहे हो, मुंबई के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट है और सर ने देखा है जो भी नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से एमएलए जीत के आता है वो कभी भी नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का समस्या विधानसभा में उठाता नहीं है, तो कितना जरूरी है ये टिकट आपके लिए और ये सीट आपके लिए? जो अभी के वर्तमान जो आमदार हैं, आपने जो नाम बताया आशीष शेलार जी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो तो सबके सामने है। कोई बात आजकल सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, पेपर है, न्यूज़पेपर है, हर चीज़ से पता चल जाता है किसने क्या किया है और कितना लीगल किया है, कितना इलीगल किया है। लोग जैसे मैं भी बांद्रा में जाता हूँ या लोगों से मिलता हूँ, कई शिकायतें हैं लोगों की, लोग नाराज़ है।
अब मैं जो काम करता हूँ, मेरा काम एक हद तक है, क्योंकि मैं कोई आमदार नहीं हूँ, और आज तक मैं इंडिपेंडेंट था मार्च तक, तो मेरे जो मन में आता मैं करता था, कोई मेरे ऊपर हुकूमत नहीं थी किसी की, इंडिपेंडेंट आदमी हूँ जो समझना। अभी जैसे पार्टी के साथ जुड़ गए हैं तो हर चीज़ पार्टी के दायरे में होगी, पार्टी डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए, वही होगी। अभी पार्टी अगर डिसाइड करती है कि भाई आपको लड़ना है तो ज़रूर ज़ोर से लड़ेंगे। अभी जैसे आशीष शेलार जी है, मिनिस्टर भी बन गए हैं, बीजेपी ने उनको मिनिस्ट्री दी है, उसके पहले मुंबई के अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, तो लड़ना अगर है, पार्टी बोलती है लड़ने को, तो ज़रूर लड़ेंगे और इंशाल्लाह सीट निकालेंगे। सर, सबसे बड़ा मुद्दा देश में है तो है अनुच्छेद 370 और 35A को रद्द करना। सर, आज हमारा देश आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहा है, हमारा इकोनॉमी बहुत डाउनफॉल में है, क्राइसिस पर है, और इस समय जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 आर्टिकल 35 को रद्द करना, आपको लगता है सरकार का सही कदम है? ये मैं आपको इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि ऐसा चीज़ मैं अभी जो मीडिया आजकल देखते हैं, हम न्यूज़ टीवी चैनल चालू करते हैं या कोई सोशल मीडिया भी ज़्यादा देखते हैं, तो हमने ये देखा है, ये ट्रेंड उल्टा हो गया है कि ये सब सवाल जो रूलिंग गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, वो जो मीडिया है वो ऑपोजिशन को पूछता है, और आपने जैसे इसको पुटअप किया उस तरीके से किसी ने पुटअप नहीं करा। तो जैसे ये आर्टिकल 370 है और 35A है और जो आर्थिक परिस्थिति चल रही है, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये काम है कि हमारे मुल्क को तरक्की दे, सबसे पहले जो हमारी आवाम है, जो लोग हैं, रेजिडेंट सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, दे हैव टू बी हैप्पी, देयर ड्रीम्स हैव टू बी फुलफिल्ड। सबने अगर किसी को चुनकर वोट देकर लाया है तो उनसे अपेक्षा रखते हैं। प्रचार के वक्त जब 2014 में या जब भी इलेक्शंस लोकसभा के हुए थे लास्ट टाइम, बहुत वादे किए गए थे, तो जो वादे 2014 में किए गए थे वो 2019 तक तो पूरे नहीं हुए, फिर 2019 में और वादे किए गए, 2014 से 19 5.5-6 साल हो गए। अभी आर्थिक परिस्थिति हर इंसान की गिरते जा रही है, एवरीबडी इज इफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक सिचुएशन व्हाट इज देयर प्रिवेलिंग इन द कंट्री एट प्रेजेंट, और इस चीज से यानी इस चीज का हल निकालना गवर्नमेंट का दायित्व है। लेकिन आप देखोगे ये सब चीजें छोड़ के लोगों को बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको जॉब्स, यूथ को जॉब्स मिलना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन नॉन पोल्यूटेड एयर मिलना चाहिए, इतनी मसले मसाइल हैं, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, बड़े बड़े जो कंपनीज है वो बंद हो रही हैं, जेट एयरवेज का हो गया, अभी मैं सुना ONGC के भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हो रही हैं देश में। तो गवर्नमेंट उस चीज़ का हल निकालने के लिए ज़रूरी है, वो सब चीज़ छोड़ के वो लोगों ने सडनली ऐसा कुछ इशू लेके आ जाते हैं कि पूरे कंट्री का माइंड डाइवर्ट हो जाए। और जैसे पहले इन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक्स बताई, बालाकोट बताया, फिर कुछ दूसरा लाते हैं, फिर अभी ये आर्टिकल 370। और जहाँ तक आर्टिकल 370 का सवाल है, ये एक समझौता था कश्मीर की जो हुकूमत थी उस वक्त, राजा हरी सिंह और हमारी हुकूमत के बीच में, उस वक्त की जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनके बीच में, और इट इज़ इन ब्लैक एंड वाइट, लेटर ऑफ एसेशन है एंड एवरीथिंग जो है एक प्रॉपर राइटिंग के साथ हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन है उसका, और उसको अगर आप पढ़ोगे इंटरनेट पे है वो, और अभी फेसबुक पे भी बहुत लोगों ने डाला है, और इसके ऊपर भी है अपना यूट्यूब पे है, तो आप उस पर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या किस एग्रीमेंट के हिसाब से कश्मीर हमारे साथ जुड़ा था। अब अगर आपको कुछ उसमें चेंजेस करना था तो सबसे पहले वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली, जो वहाँ के चुने हुए MLAs होते हैं, जो वहाँ की आवाम चुन के देगी, उनके बीच में उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके आपको वो बिल को रद्द करने का वो निकालना चाहिए था, प्रावधान करना चाहिए, वहाँ की NOC होने के बाद ही इसको तुम छेड़ सकते थे। वो चीज़ तो हुई नहीं क्योंकि PDP और BJP की जो गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया गया,
सपोर्ट हटा के इन लोगों ने वहाँ गवर्नर्स रूल लेके आ गया, प्रेसिडेंट्स रूल लाया, गवर्नर वाज टेकिंग वो इंचार्ज ऑफ द थिंग। उसके बाद ये लोगों ने अचानक ये 370 रद्द करने के लिए पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट वाज इन सेशन और इसको रद्द करने के लिए इन लोगों ने प्रपोजल डाल दिया कि भाई ये अब गवर्नमेंट जो वहाँ की है रद्द पड़ी हुई है, डिसॉल्वड है, ये कश्मीर की गवर्नमेंट, उसके अप्रूवल के बगैर हाउ कैन यू टच दैट आर्टिकल 370। जो वहाँ के एम एल एज है वो नुमाइंदे है वहाँ के लोकल्स के, वहाँ के लोकल्स ने चुन के दिया है, तो वो उनकी वॉइस है, वो आवाज़ है, तो उनकी वोटिंग ज़रूरी थी कि इसके ऊपर क्या करना, वो चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया। कोई जैसे जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम है, लद्दाख है, जम्मू है, कश्मीर है, इस सब के आवाम का एक रेफरेंडम लेना चाहिए था, एक वोट लेना चाहिए था। अब यूरोपियन कंट्रीज में देखिए कुछ भी इम्पोर्टेंट मुद्दा रहता है तो उसके ऊपर वोटिंग होती है, पब्लिक से वोट किया जाता है और उसके बाद जो मेजोरिटी रहती है वो चीज़ जो चाहती है उस, यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये आज हम लोगों को, आज 25वां दिन है जो कश्मीर के अंदर पूरा सब इंटरनेट बंद है, लोग जा नहीं सकते, यानी कैद में रखा गया है उनको। तो ये क्यों हो रहा है? इसी वजह से ना, अगर आप आवाम को साथ में लेके चलते, आवाम से पूछते, क्योंकि वो उनकी उनका जगह है, वो लोग जैसे हम लोग मराठी है तो हमारा महाराष्ट्र है, गुजराती है गुजरात गुजरातियों का है, बंगाल बंगालियों का है, तो कश्मीर जो है कश्मीरियों का है। तो कश्मीर की आवाम के डिसीशन के बगैर आओ कैन यू टू सच अ थिंग, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही रॉन्ग ये है और गलत तरीके से हुआ है। अब देखते हैं, कोर्ट्स में मैटर है और ये है क्या डिसाइड करते हैं कोर्ट्स, मैटर बेटर सेंस शुड प्रिवेल। जैसे भारत एक सेकुलर देश है, एक लोकतांत्रिक देश, एक डेमोक्रेटिक देश है, और सर भारत का सबसे बड़ा अगर स्तंभ है, पिलर है, तो उसका विपक्ष है। और सर जिस तरीके से एनडीए गवर्नमेंट विपक्ष को खत्म कर रही है, जैसे आपने देखा राज ठाकरे साहब अभी ईवीएम का इशू उठा रहे थे और सडनली इन पर ईडी का छापा लगा दिया, पी चिदम्बरम और कांग्रेस के कई सारे लीडर आरजेडी के, लालू प्रसाद यादव, उन पर सीबीआई का छापा, ईडी का छापा लगा रहे। आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति के कदम पर चल रही है? ये मुझे ही नहीं लग रहा, ये पूरे आवाम को लग रहा है और आवाम देख रही है। पहले की बात और थी, अभी सोशल मीडिया है, न्यूज है, एवरीथिंग, एवरीबॉडी इज प्रोएक्टिव ऑन सोशल मीडिया, जो भी कुछ होता है आधे घंटे के अंदर पूरे मुल्क में फैल जाता है, तो पब्लिक खुद देख रही है ना, जो इंसान आवाज उठाता है उसके खिलाफ ये होता है। एंड ऑल द सेंट्रल एजेंसीज आर बीइंग मिसयूज्ड, सिंपल दिखता है, जितने ये लॉ बॉडी है जैसे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, ये सबको मिसयूज कर रहे हैं। यानी ये इस तरीके से वी आर स्पॉइलिंग अ डेमोक्रेसी, जो इतना अच्छा मुल्क है और इतना अच्छा हमारा जो ये है कंट्री है, वी आर सुपर पावर इन द वर्ल्ड, एक सुपर पावर की जैसे हम लोग, ये ऑपोजिशन के साथ ये तरीका वापर के यू आर ख़त्म कर रहे हो। ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कोई चीज़ वो नहीं हो सकती, तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रिसेप्ट व्हाट दे आर सेइंग। और ये दिस इज लाइक वो एक बोलते हैं ना फैशिस्ट रिजीम की तरफ है, जैसा उस तरीके से हो रहा है, हिटलर राई बोलते हैं हिंदी में हम लोग बोलते हैं, एंड वी आर गोइंग द वे दिस, जैसे सऊदी है, तालिबान लोग थे, उस तरीके से हम लोग, हमारा मुल्क उस तरीके जा रहा है, तो इट्स वेरी रॉन्ग दिस, और मिसयूज हो रहा है, दिस इज़ रॉन्ग। कोई भी गवर्नमेंट, और हमेशा कोई गवर्नमेंट एक रहेगी नहीं, कल को किसी और की गवर्नमेंट आएगी, तो यही तरीका अगर चलता रहा तो फिर कैसे इंसाफ मिलेगा लोगों को? जो इंसान पब्लिक की आवाज़ उठाता है और कुछ मुद्दा है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में ही हैज़ अ राइट टू रेज हिज वॉइस इफ ही फील्स एनीथिंग विच इज़ रॉन्ग। तो वो अगर कोई भी इंसान अगर उसका आवाज़ उठाता है, उसके साथ आप इस तरीके से बिहेव करोगे तो इट इज़ रॉन्ग। सर जो आपका बैंटा वेस्ट असेंबली है, तो अधिकांश में ये माइनॉरिटीज के मतदाता यहाँ पर हमें देखने को प्राप्त होता है, ज़्यादातर मुस्लिम और क्रिश्चियन भाई बंधु। सर आज देश का माहौल देखे गए तो माइनॉरिटीज पर हर प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है, जैसा हमारे क्रिश्चियन भाई है तो उनके चर्च तोड़े जा रहे हैं, चर्च पर पथराव हो रहा है, हमने देखा ये उदाहरण उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश में। हमारे जो मुस्लिम भाई है उन पर ट्रिपल तलाक, बीफ बैन, मॉब लिंचिंग, ये सब इशू लेकर आकर उन पर अत्याचार किया जा रहा है। सर आप मुंबई के एक जाने वाले लीडर हो, हमने देखा है जो भी इश्यूज होता है अगर माइनॉरिटीज को लेकर, तो आप सबसे पहले आगे आते हो और माइनॉरिटीज के बचाव के लिए, तो सर कैसे देखते हो ये सब चीज़ को? आज एक अधिकांश के लोग जो भारत में रहते हैं वो माइनॉरिटीज पर अत्याचार कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं हर एक जिस पर भी अत्याचार होता है और मेरे बात
मेरे तक अगर अप्रोच होता है तो मैं उसके लिए आवाज उठाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कि गरीब इंसान की कोई जात नहीं होती है। सबसे पहले अगर गरीब इंसान जो होता है वही कमजोर होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो। तो ये जुल्म जो होता है ये गरीबों पे होता है, ठीक है। जो आज हालात चल रहे हैं, ये जो लोग आपने बताया माइनॉरिटीज को लेकर ये जो मुहिम चलाए हैं, लिंचिंग वगैरह चल रही है, ये चल दिस ऑल वर्ल्ड बैंक पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ करके ये जो एक तबका है जो आरएसएस कंट्रोल तबका है और जो आरएसएस के विचारधारा वाले लोग हैं, जो एकदम यानी बस यानी जो लोग मुसलमान को, क्रिश्चियंस को, दलित को अपना दुश्मन समझते हैं, क्या बोलते उसको, ब्राह्मणवाद विचारधारा शायद, वो लोगों को खुश करने के लिए और अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखने के लिए ये कर रहे हैं। क्योंकि टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से यानी करीबन 100 करोड़ तो यही लोग हैं, 100 करोड़ जो जो बीजेपी ये बोले ना क्या बोलते ब्रह्मवाद और ये सब सोच के रहते, फिर उसमें ओबीसीज है, फिर ये है, तो ये लोग इनको केटर कर रहे हैं, इनको खुश करने के लिए ये जो चीज़ें करते हैं माइनॉरिटीज पे। अभी आपने देखा एक हफ्ता या 10 दिन हो गया वो दिल्ली में एक मंदिर तोड़ दिया, रविदास जी, रविदास थे वो दलित के लीडर थे, कौन थे, उनका मंदिर को डिमोलिशन कर दिया गया। तो यानी बिना कोई कानून कायदे के ना कोई इसके ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बहुत गलत है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये चीज़ आज यहाँ पर गवर्नमेंट ये सब करते रहे और यहाँ पब्लिक को इसमें उलझा के रखे और यहाँ से इनका एजेंडा चलते रहे। और मूल पब्लिक जो है सवाल करने वाली वो उनको इकोनॉमी के ऊपर, जॉब्स के बारे में, मुल्क के हालात के बारे में नहीं पूछे और इसी में उलझे रहे। अभी आपने देखा लिंचिंग का, लिंचिंग हो रही है, कैमरे में आ रहे हैं आरोपी जो कर रहे हैं, उसके बाद भी वो कोर्ट से छूट जा रहे हैं। तो मींस दिस इज ऑल प्री प्लान। अभी वो 1 लाख का शायद हुआ था, 1 लाख के उस दिन उन लोगों को रिलीज हो गए, पहलू खान के वो रिलीज हो गए। अभी 3 दिन पहले दिल्ली में हुआ, रोड पे हुआ है, वहाँ सब ने मिल के मारा कोई एक यूथ था, उसको पूरा सीसी की फुटेज है, मोबाइल के ऊपर फुटेज है, सब लोग देख रहे हैं कौन मार रहे हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं। उसके बाद भी सिर्फ वो इतना प्रेशर आया तो 2 जन को अरेस्ट किया उन लोगों ने, और वो पुलिस ऑफिसर थे बुलंदशहर के, क्या नाम था उनका, अभी जो उनको लिंचिंग कर दिया था, उनको उस दिन मार दिया था, उनके बच्चे का मैं उस दिन टीवी पे देख रहा था, उनके भी जो ये हैं उनको बेल मिल गई। तो इतना ऑन कैमरा इतना बड़ा कांड हो रहा है, एक पुलिस अफसर को मारा जा रहा है, इतने बड़े पुलिस अफसर को, तो पुलिस एक टाइट केस बनाना चाहिए कि इनको जामीन नहीं। नॉर्मल एक आदमी का किसी से हत्या हो जाती है या यानी जानबूझ के भी नहीं, कोई धक्का पे भी मर जाता है गिर के और उस पर आरोप होता है तो 2-3 साल उसको जामीन नहीं मिलती है, और ये 6-6 महीने के अंदर सामने इतने बड़े पुलिस अफसर को मार दिया। तो यू कैन इमेजिन व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कंट्री, इट्स रॉन्ग, वो गलत हो रहा है, वी आर बाउंड टू बी रूइंड। सर आखिर में पिछले 2 महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, सर हमने खुद ने देखा है कि अपने जिंदगी में खुद 8 से 10 चुनाव आपने खुद कंटेस्ट किया, आपने खुद देखा है, लड़वाया है लोगों को इलेक्शन। सर हर इलेक्शन से पहले आपका एक स्ट्रेटेजी बनता है, आप स्वयं होमवर्क करते हो, तो इस बार सर जनता को क्या होमवर्क करना चाहिए इलेक्शन को देखते हुए? क्योंकि लोग आते हैं 500-1000 रुपये देके वोट खरीद लेते हैं, इस बार ईवीएम का भी मसला है, और जो भी कैंडिडेट जीत कर आता है, एमएलए जीत के आता है, वो अपना क्षेत्र का दौरा नहीं करता है। तो सर आप जनता तक क्या सूचना, क्या संदेश आप करेगा कि किस तरह से हमारी जनता, हमारी मतदाता वो होमवर्क करे? ये सबसे पहले तो ये बात है कि ऐसे इंसान को आपको चुनना है जो आपको मिल सके, आप जिनको जाके मिल सके, एसेसिबल बोलते हैं ना, कि आपका अगर कुछ मुद्दा है, प्रॉब्लम है, तो वो इंसान से आप मिल के उसको बता सके, वो सुन सके और उसके ऊपर हल दे सके, सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अभी मैं ये कहूँगा कि मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, अगर सच में जो लोग चाहते हैं कि ये मुल्क तबाह नहीं हो, हमारा देश आगे बढ़े, तो ये जो नफरत फैलाते हैं लोग, जो भेदभाव पैदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन दलित, ये सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, ये सब राजनीति चलते हैं, उनको आपको बढ़ावा नहीं देना है वैसे लीडर्स को। आपको वो इंसान को वो करो जो आपके बीच का है, जिसको आपको लगे कि ये हमारे साथ का है, जो तुम्हारे साथ बैठ के उठ बैठ सके। नहीं तो आपने तो ऐसा कर दिया, एक लीडर को तो इतना ऊंचे मुकाम पे बना दिया है, तो वो आपको ऑफिस के बाहर
चार चार घंटे खड़े रहना पड़ता है उससे मिलने, उसके बाद भी उसका टाइम हो जाता है उठ के चले जाता है। तो ये हालात तो चल रहे हैं, तो लोगों को ये सब चीज सोचना है कि भाई बातें बड़ी बड़ी होती हैं, ये होती हैं, और जो काम है काम वैसे के वैसे है। आज मैं म्यूनसिपल काउंसिलर हूँ, मुझे पता है मैं कितना लोड रहता है मुझे काम का, रोड पे उतर के मैं काम करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, कई जगहों पे सब काम मैं करता हूँ, क्रेडिट दूसरा लेके जाता, पावरफुल नेता है जो होते हैं लोग क्रेडिट लेके जाते, बीएमसी का काम एमएलए लोग क्रेडिट ले रहे हैं, बीएमसी का एमएलए का क्या लगे, एमएलए स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सब चीजें चल रही है, क्या कर सकते। तो अभी आवाम जो है, जो पब्लिक है, उसको ये सोचना है। आज इतने बड़े बड़े चीजें हो रही है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो बैंड्रा वेस्ट में, असेंबली में स्लम का मुद्दे इतने चल रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम आगे क्या होने वाला, फ्यूचर क्या होने वाला है, कुछ ये नहीं मालूम है। स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट कोई खुलासा सही से करती नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, आम पब्लिक लेमैन उनको पता ही नहीं, जो आके बड़ा लीडर बोल देता है उसके उनको ही समझ में आता है। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है उसके पीछे, उनका क्या रहस्य है, क्या चाहते हैं। तो कोई भी चीज जो होती है आवाम को ये सोचना चाहिए कि भाई ये कौन हमारे हक की बात करेगा, कौन हमारे लिए इंसाफ के लिए लड़ेगा, कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा, समझे। तो ये सब चीजें, ये सब चीज सोच के, और पैसे की जो बात है, इंसान जो आते हैं और पैसे मांगते हैं इलेक्शन के टाइम से, वो वक्त गया, सच बोलता हूँ। अगर आपको सच में मुल्क को बचाना है तो एक होके एक फैसला करो, एक ये एक जंग है, और ये आपको एक दिन देना पड़ता है, दो दिन देना पड़ता है इलेक्शन में, आप मजबूती से साथ में खड़े रहो अच्छे नेता के, और फिर देखो कैसे बदलाव नहीं आएगा। सर धन्यवाद सर आपके कीमती समय से, अपने समय दिया इंटरव्यू के लिए। तो ये थे सर राजा अकबर खान जी, जो जनता के हर सवाल को उन्होंने जवाब दिया, और कांग्रेस के ये एस्पायरिंग कैंडिडेट हमें देखने को प्राप्त हो रहा है बैंड्रा वेस्ट असेंबली में से। और क्योंकि पूर्व जो एमएलए थे बैंड्रा वेस्ट के, बाबा सिद्दीकी जी इस बार यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कौन यहाँ पर मतदाता के लिए, मतदाता का समस्या का समाधान करने के लिए कौन नेता कांग्रेस से उभर कर आएगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ठीक न्यूज़ मीडिया। धन्यवाद।